हम बात कर रहे हैं सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मिड डे मील योजना की। इस योजना की उपलब्धियों से ज्यादा इसके लापरवाही के किस्से शुमार है। ऐसे में ईटीवी भारत आज वाराणसी के शहरी इलाके में आ पहुंचा है, यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में, ये जानने के लिए कि मिड डे मील योजना की हकीकत क्या है, क्या मेन्यू के अनुसार बच्चों को खाना दिया भी जाता है या नहीं। क्योंकि अभी हालिया में शासन की ओर से लगभग 14 करोड़ रुपए की धनराशि वाराणसी के मिड डे मील के लिए भेजी गई है, तो इसकी हकीकत क्या है। आज दिन है गुरुवार और मेन्यू के हिसाब से यहाँ खाना मिलना चाहिए, रोटी और सब्जी युक्त दाल। तो चलेंगे हम बच्चों के बीच में और देखेंगे कि मिड डे मील में आज का भोजन क्या है और रियलिटी टेस्ट में वाराणसी के शहरी इलाके का प्राथमिक विद्यालय पास हो रहा है या नहीं। घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं और गर्मी के अनुसार मध्यान्ह भोजन का ये समय हो चुका है। ऐसे में हम प्राथमिक विद्यालय में आए हैं यहाँ मिड डे मील योजना की हकीकत जानने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि यहाँ बच्चों में थालियाँ जो है वो वितरित की जा रही हैं। इसके साथ ही आज मेन्यू की हम बात कर रहे थे तो मेन्यू में हमें रोटी दिखाई दे रही है और क्या है, दाल है। तो सब्जी युक्त दाल की बात हुई थी, तस्वीरों में सब्जी युक्त दाल दिख रही होगी, सब्जी के साथ दाल की जो है वो उसमें समाहित किया गया है। तो मिड डे मील योजना के अनुसार पहली बार में जो मेन्यू की बात की गई थी यानी सब्जी और दाल, उसमें तो ये लोग पास दिख रहे हैं। अन्य व्यवस्थाओं की बात कर लें तो थालियाँ आप देख रहे होंगे सजी हुई है। यहाँ हम बच्चों से भी बातचीत करके पूछेंगे कि भाई उनको रेगुलर खाना मेन्यू के अकॉर्डिंग मिलता है या फिर लापरवाही का आलम है और खाने की स्थिति क्या होती है। क्या नाम है बेटा आपका? संजना। संजना रोज आते हो स्कूल? हाँ। यहाँ खाना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। कल क्या मिला था? खिचड़ी दहली। और क्या मिला था? दूध। खाना रोज अलग अलग मिलता है? हाँ। जो मेन्यू है उसके अनुसार मिलता है या फिर ऐसे ही मिल जाता है? मिलता है रोज खाना और बढ़िया खाना मिलता है। बेटा बढ़िया खाना मिलता है? हाँ। खाने का स्वाद कैसा होता है? सही रहता है। खाने जैसा होता है? हाँ। ये आप रोज स्कूल आते हो? यस। खाना कैसा होता है? अच्छा रहता है। कल क्या खाने में मिला था? दाली। और क्या मिला था? दूध। और आज क्या मिलने वाला है? आज रोटी सब्जी। सब्जी मिलती है, दाल मिलता है? दाल रोज मिलता है। अच्छा, अलग अलग या फिर एक ही खाना रोज मिलता है? अलग अलग मिलता है। और स्वाद कैसा होता है? अच्छा रहता है। तो हमारे साथ ये बच्चे थे जिन्होंने बताया कि खाने में स्वाद अच्छा होता है। इनकी थालियों में रोटियां जो है आपको वो दिख रही होंगी, रोटी के साथ आज इनको सब्जी युक्त दाल मिली हुई है। बता दें कि शहरों की जो स्थिति है, शहरों में एनजीओ के जरिए खाना बनके प्राथमिक विद्यालयों में आता है और ग्रामीण अंचल की बात कर ले तो यहाँ पर रसोइयाँ खाना बनाती है और रसोइयों के जरिए खाना जो है वो बनाया और वितरित किया जाता है। यहाँ पर वितरित करने के लिए जो है वो लोग रखे गए हैं लेकिन खाना एनजीओ से मिलकर के बन करके आता है। हमारे साथ अभी विद्यालय की प्रार्थना अध्यापिका भी हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले हम भी जो है इस खाने की गुणवत्ता देखते हैं। रोटी की बात कर लें तो रोटी ज़रूर हल्की सी आपको कड़ी दिख रही होगी लेकिन फिर भी ठीक है। और यदि दाल की बात कर ले तो दाल की स्थिति भी थोड़ी सी दाल पतली दिख जरूर रही होगी लेकिन फिर भी खाने की स्थिति में दिख रही है, ये बेहतर बात है। अभी हम यहाँ की प्रधानाध्यापिका से भी बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि यहाँ जो है वो प्रतिदिन की व्यवस्थाएँ कैसी होती हैं। मैडम क्या व्यवस्थाएँ होती हैं? मैडम खाने का जहाँ तक सवाल है, खाना यहाँ पे मेन्यू के हिसाब से एक संस्था देती है, काशी वेलफेयर सोसाइटी, और खाना वो पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि मेन्यू के हिसाब से दें और खाने की गुणवत्ता जहाँ तक हम लोगों ने चेक किया ठीक ही रहता है हमेशा। जी। भोजन का समय क्या होता है? 10 बजे के लगभग हम लोग के इंटरवल का टाइम है और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उसी समय खाना बच्चों को प्रोवाइड करें। और एनजीओ की तरफ से खाने की जो व्यवस्थाएं होती हैं, साफ़ सफाई, वो कैसी होती है? मैडम एक्चुअल जो वहाँ पे स्थिति, वहाँ पे तो हम लोगों ने जाकर नहीं देखा है, बट चूँकि सभी जगह खाना देते हैं और जो खाना हमारे यहाँ आता है उसका तरीका ठीक है, साफ़ सुथरा है, क्लियर, मतलब साफ सुथरे ड्रम में वो खाना हमको प्रोवाइड कराते हैं। तो प्रतिदिन मेन्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग खाना? जी मैडम, 6 दिन का अलग अलग मेन्यू है और मेन्यू के हिसाब से वो खाना हमें देते हैं। बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है मिड डे मील को लेकर के? मैडम जब से कोरोना आया कुछ बच्चे जरूर टिफिन लाते हैं, उनके पेरेंट्स एक्स्ट्रा जागरूक हैं, अवेयर हैं जो भी कहिए, या डरे हुए हैं
तो वो उस हिसाब से कुछ बच्चे तो टिफ़िन भी लाते हैं और बाकी बच्चे यहाँ खाते हैं। जो बच्चे खाना खाते हैं यहाँ पे वो कभी भी इसकी शिकायत नहीं की है। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि बच्चे खाने में बहुत नखरे करते हैं, तो मिड डे मील के लिए भी आप लोगों को अलग से प्रयत्न करना पड़ता है या बच्चे आसानी से मान जाते हैं? नहीं, कुछ कुछ बच्चे हमने देखा बुधवार को दूध पीने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। हाँ। तो हम लोग बहुत सिखाते हैं कि दूध उनकी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। हाँ। थोड़ा मोटिवेट करते तब पीते हैं। तो बहुत सारे बच्चे शायद अभी दूध पीना बहुत पसंद नहीं करते हैं, तो थोड़ा प्रयास उसी दिन करना पड़ता है, अदरवाइज तो सब ठीक है, अदरवाइज व्यवस्थाएं बेहतर है। तो हम थे अभी वाराणसी के शिवपुरवा प्राथमिक विद्यालय में, यहाँ मिड डे मील योजना की हकीकत जानने के लिए आए थे कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना जो अपनी वाहवाही से ज़्यादा, उपलब्धियों से ज़्यादा लापरवाही के लिए जानी जाती है, उसकी यहाँ पर क्या स्थिति है। मिड डे मील योजना के तहत मेन्यू के अकॉर्डिंग बच्चों को भोजन दिया जाता है या नहीं दिया जाता, और खाने की जो है वो वैरायटी होती है या नहीं होती, खाने की गुणवत्ता बेहतर होती है या नहीं होती। व्यवस्थाओं में तो ये विद्यालय पास दिखा, लेकिन यहाँ हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। बदलाव ये रहा कि पहले जो भोजन स्कूलों में बनाए जाते थे, अब उसकी जिम्मेदारी जो है संस्थाओं को सौंप दी गई है। क्या वजह है इसको लेकर के भी हम यहाँ के जो है टीचर से बातचीत कर लेते हैं। मैडम, क्या वजह है कि स्कूलों को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया? मुझे जहाँ तक ज्ञात है मैडम, पूरी तरह से मैं व्यवस्था के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन शहरी क्षेत्रों में टीचर्स की कमी है, और कुछ टीचर्स ने यह बात उठाई थी कि अगर खाना बनाने की जिम्मेदारी से टीचर्स को मुक्त कर दिया जाए और पढ़ने पढ़ाने में लगाया जाए तो ज़्यादा क्वालिटी परक शिक्षा हम दे पाएंगे, क्योंकि टीचर्स कम हैं ऑलरेडी और एक टीचर पूरी तरह से खाने की व्यवस्था में लग जाता है। तो ऐसे में एनजीओ को शायद अगर ये बात सुन करके दिया गया हो तो थैंक यू, नहीं तो मुझे पता नहीं कि क्यों दिया गया है। लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ कि ये निर्णय अच्छा था, सराहनीय था कि एनजीओ जो है शहरी क्षेत्रों में खाना दें, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स कम हैं और चूँकि हमारे पास टीचर्स कम हैं और बच्चे आएँ और एक टीचर पूरी तरह से मिड डे मील की व्यवस्था में समर्पित हो जाएगा तो बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। बिल्कुल, देखिए जो बातें हमारे सामने इस रियलिटी चेक में आई, पहले ये आएँ कि एनजीओ के द्वारा भोजन की व्यवस्थाएँ कराई जाती हैं, हालाँकि बच्चों और यहाँ के टीचर के द्वारा संतुष्टि जाहिर की गई कि एनजीओ ने जो खाना दिया है वो बेहतर है और लगातार वो बेहतर खाना दे रहा है। लेकिन हमारे रियलिटी चेक में जो तस्वीर सामने आई, रोटी ज़रूर कड़ी थी लेकिन वो बच्चों को पसंद आ रही थी, खाने की क्वालिटी थोड़ी सी कम थी। हालांकि इसके लिए विद्यालय को दोष नहीं दिया जा सकता, ये जिम्मेदारी उस संस्था की है जो संस्था के द्वारा भोजन बनाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात ये सामने आई कि अभी भी शहरी क्षेत्रों में स्कूलों में टीचर्स की कमी है, यानी कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, विभाग को टीचरों की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो शिक्षकों की कमी है उसको दूर किया जा सके और यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर और बच्चों को गुणवत्ता परक जो है वो शिक्षा दी जा सके। तो कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि इस रियलिटी चेक में मिड डे मील भोजन की जो हकीकत थी वो कुल मिला जुला के ठीक रही, हालाँकि खाने की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी कम थी लेकिन बच्चों को पसंद आई। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।